नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीजू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज है और ये एक शानदार समय है क्योंकि बीजू पाठशाला पे एमए फिलोसफी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे तो बीजू पाठशाला पे पीजी के लगभग हर एक कोर्स रन कराए जा रहे हैं। फिलोसफी का कोर्स लॉन्च होने के साथ एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग है मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि हम खुद फिलोसफी के स्टूडेंट रहे हैं और ये क्लास जब भी स्टूडियो में चलता है या लाइव सेशन में चलता है, जब टीचर पढ़ाते हैं मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे अपना यूजी का एक समय याद आता है कि हाँ, इन सब टॉपिक्स को हम लोगों ने भी पढ़ा था। और मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के कुछ टॉपिक्स को मैं भी कवर करूंगा, साथ ही साथ आपके दो टीचर हैं जो कि पार्ट टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आप जो पेड बच्चे हैं वो कॉमेंट करके बताइएगा भी, एक है सत्तू सर और एक है विश्वास सर, ठीक है। इन दोनों लोगों के सानिध्य में आपको आपके सीयूटी पीजी एमए फिलोसफी की प्रिपरेशन करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि सीयूटी पीजी फिलोसफी की प्रिपरेशन हमारे यहाँ किस तरीके से होती है और हम आपको क्या क्या कोर्स में चीजें देने वाले हैं। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कोर्स ज्वाइन करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। अब मैं चाहूंगा कि पेड मेंबर अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप, क्योंकि आप क्लास देख रहे हो, आपको क्लासेस जा रही हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो अपने टीचर से डेली बेसिस पे, तो वो कैसा पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए उन्हें फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ, इनका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी तो चीजें हम आपको बोर्ड पे बताने ही वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और बीएचयू पाठशाला पे और किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि सीयूटी पीजी जब होता है वहां पे दो पार्ट के पेपर होते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू, या पार्ट ए या पार्ट बी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो आपका पार्ट ए है ये एप्टीट्यूड सेक्शन है, ये कॉमन सेक्शन है। आप किसी भी कोर्स में अप्रॉक्स जाओगे तो आपको ये पार्ट वन देना ही है। ध्यान देना, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, वो आप समझना कि किन किन कोर्सों में पार्ट वन जो है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिलोसफी में है। पार्ट टू जो है ये है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट से आपको एमए करना है, उस सब्जेक्ट से आपके पूरे यूजी के जो सिलेबस है वो पूछे जाएंगे। हाँ, अब सिलेबस यूजी में बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझ लेना कि सब पूरा यूजी आएगा, कहां नहीं आएगा, क्या आएगा, ये सब चीजें तो आपको टीचर ही बताएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स जरूर ज्वाइन करेगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। यू हैव ओनली 130 डेज, लगभग 130 दिन है। 130 दिन में पूरे यूजी के सिलेबस को कवर करना या सीयूटी के रिकमेंडेड ऑफिशियल सिलेबस को कवर करना, इट्स नॉट इजी। सो ऐसे में प्लीज आप कोर्स ज्वाइन करें, अपने टीचर के सानिध्य में पूरा सिलेबस को कवर करें, ठीक है। देखो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू में क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। पार्ट वन मैंने बताया कि एप्टीट्यूड सेक्शन है, ये कॉमन सेक्शन है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊंगा क्योंकि इसके सिलेबस को बताने की जरूरत है। बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर पार्ट वन का एक कंप्लीट सिलेबस वीडियो भी ले आइए। मैं आपको ओरली कुछ बता देता हूं। इसमें सबसे ज्यादा है एप्टीट्यूड, मतलब होता है रीजनिंग मैथ्स। इसमें कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर जनरल जीके जीएस के क्वेश्चन, ये पूरा एक कॉम्बो पैक है 25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन यहां से आपके आते हैं। और हम लोग अगर पार्ट टू की बात करें जिसको हम लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोला जाता है, जैसे कि आप अगर फिलोसफी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे फिलो से ये क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी टोटल 75 क्वेश्चन जो है वो आपके बस इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आने वाला है, ठीक है। होपफुली आप समझ पाओगे। अभी 75 क्वेश्चन एक अपने आप में समझ रहे हो ना कि किस सेमेस्टर से हमारा 75 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपने 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करी है या जिनका एनुअल एग्जाम रहा हो 3 साल पढ़ाई किए हैं, तो पूरे 3 साल के सिलेबस को बस 75 क्वेश्चन में समेटना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक रिसर्च है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट और रिसर्च आपके टीचर ने किया है और वो आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हम लोग आपको क्या क्या देने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएचयू पाठशाला पे एमए फिलोसफी का कोर्स ज्वाइन करने के साथ जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा वो ये है। कंप्लीट लेक्चर मिलेगा जिसमें रिकॉर्डेड एंड लाइव सिलेबस, लाइव क्लासेस दोनों अवेलेबल है। यानी आप क्लासेस अगर लाइव मिस कर देते हो तो यू कैन वॉच बाय द रिकॉर्डेड वीडियोस, वो आपको स्मार्ट बोर्ड पे रिकॉर्ड करके दिए जाते हैं। लाइव क्लासेस भी आपके पूरे डाउट्स को कवर करता है, जैसे आप आपने क्लासेस कंप्लीट किए लास्ट में अपने टीचर से पूछ सकते हो। साथ ही साथ एक परमा, हमेशा के लिए
ठीक है, आपका एक चैट बॉक्स होता है जिसमें आप जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आपके बैच में भी डाउट्स बॉक्स होता है और फिर साथ साथ आपका एक अलग स्पेशल ग्रुप भी बनाया जाता है। स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा, साथ ही साथ पीडीएफ्स और हैंड रिटन नोट्स। ध्यान देना, टीचर जब हाथ से लिख के नोट्स देता है तो इसका मतलब ये है कि टीचर ने खूब मेहनत करके आपके लिए मटेरियल रेडी किया है। ओके, तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के थोड़े महीनों पहले से स्टार्ट हो जाएगा। और टीचर, जैसे कि अभी तो क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, टीचर को लगेगा कि हाँ हमने पांच चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब पांच चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आओ एक बार आप टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब तक कि सर हम लोगों ने पांच कंप्लीट कर लिया, मुझे लग रहा है सर एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझना चाहिए। तो आप अगर थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम करके दोगे तो आइडिया लगेगा कि हम कैसे कवर कर पा रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या हम सही आंसर कर पा रहे हैं। ये चीजें जो है आपके और आपके टीचर के बीच का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप बीच में टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हो तो अदरवाइज बीएचयू पाठशाला का ऑफिशियल जो टेस्ट सीरीज है वो तो एग्जाम के कुछ महीने पहले लॉन्च हो जाएगा, तो वो भी आपको कोर्स में फ्री दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो आपके टीचर और आपके बीच का एक म्यूचुअल टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट है कि आप बोल के ले लेते हो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखो बीएचयू पाठशाला की खास बात एक है, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो बीएचयू के ही छात्र हैं, जितने भी टीचर हैं वो बीएचयू में ही पढ़ते हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम जो लोग पढ़ाते हैं वो खुद यहाँ पे फिलोसफी कर रहे हैं या वो खुद यहाँ से ज्योग्राफी कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं या मास्कॉम कर रहे हैं, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उनकी बातें ज्यादा इजिली समझ में आती हैं क्योंकि वो इसी फेज से गुजरे हुए हैं, जस्ट उन्होंने तैयारी करी है और फिर वो उस कॉम्पिटिशन को क्रैक करा है और वो पढ़ाई कर रहे हैं बीएचयू में, फिर आपको वो पढ़ा रहे हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देख लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, ये आपका एक नंबर है, इस नंबर को आप लोग अच्छे से देख लो। इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉल घुमाना है या व्हाट्सएप करना है। आपको कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेनी है, यानी कितने रुपए का है ये कोर्स, कितने दिन चलेगा, इस कोर्स की क्या क्या और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है जो मुझे नहीं समझ में आई, या हाँ ये कोर्स जो है आपके डेमो क्लासेस क्या है, तो ये सब कुछ आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको देख लो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो मैं सोचा बता देता हूँ क्योंकि बच्चे बार बार डाउट में रहेंगे, टाइम गुजरता जा रहा है और जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उन्हें बार बार परेशान करेगा कि मैं तो इस वीडियो को इतना लेट देख रहा हूं तो मैं कैसे ज्वाइन करूं। देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 65 टू 70 डेज एनफ है, लास्ट में 30 डेज से भी ज्वाइन अगर कर लेते हो तो भी एनफ है एज अ क्रैश कोर्स। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा स्टेबल है यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हम लोग कोर्स ड्यूरेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो बच्चे इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देखेंगे उनके पास एक प्रॉब्लम रहेगा कि सर हम इतनी जल्दी कैसे तैयारी करें, हमारे पास तो बस अब 60 दिन बचा है या 30 दिन बचा है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला पे एग्जाम से कुछ महीने पहले क्रैश कोर्स भी आएगा। इस वीडियो को अगर बहुत लेट देख रहे हो तो आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अभी अगर मैं इस कोर्स का ऑफिशियल ड्यूरेशन अनाउंस करूं तो वो होगा 5 मंथ, जिसका पेमेंट करते हो, यानी 5 महीना। और अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है या उससे आगे बढ़ता है तो ऐसे में आपके एग्जाम तक जो है आपका बैच एक्सेस आप तक रहेगा, ठीक है। अब इस वीडियो को मान लो कोई 60-70 दिन बाद देख रहा है, अब वो सोच रहा है कोर्स ज्वाइन करे या ना करे, तो ऐसे में आप बता दो कि आप इस पूरे सिलेबस का जो क्रीम वीडियो है, जो सबसे सेलेक्टिव टॉपिक्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन वेटेज सबसे ज्यादा है, आप उन पोर्शन को ज्वाइन कर लेना, वो भी अवेलेबल होगा। सो फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को आज देखो या आने वाले समय देखो, एग्जाम से एक महीने पहले देखो, आप ये पाठशाला पे MSCUT फिलोसफी का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहें, होपफुली आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका ऑनर्स फिलोसफी है या ऑनर्स फिलोसफी नहीं भी है, वो MA फिलोसफी करना चाहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, तो वो इस कोर्स को जरूर परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन शानदार तरीके से करें, सिलेक्शन लें। बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।